है hey गायस कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम है गार्डली चैनल पे और माय नेम इज सबजेट मिश्रा आई एम योर जी एजुकेटर ये सीरीज़ हमारी चल रही है आज हम नेशनल अफेयर्स में दिसंबर मंथ को फिर से कवर करेंगे काफ़ी कुछ न्यूज़ आपको हम दे रहे हैं दिसंबर जनवरी फरवरी का आपको अच्छे से रिविज़न कराएंगे मार्च मंथ का भी रिविज़न कराएंगे मार्च मंथ खत्म होने दीजिए जिनके भी एग्ज़ाम्स मार्च में पढ़ते हैं मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं तो हम वो कराएंगे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुरू करते हैं गाइस नेशनल अफेयर्स चल रहा है हमारा आज नेशनल अफेयर्स की हमारी लास्ट क्लास है और मंडे को बारह बजे हम कमेटीज एंड बुक्स एंड ऑथर एंड एंड बुक्स ऑथर करेंगे अब यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़कर आइएगा मेरे क्वेश्चन होंगे आपके आंसर होंगे चलिए जितने भी लोग यहां पर लाइव आ चुके हैं सबको हेलो सबको हाई सब कैसे हैं और प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए जो भी आप कर सकते हैं जहां पर भी आप कर सकते हैं टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जो भी है चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रोन का यूज़ किया ड्रोन का यूज़ किया ड्रोन से एक मेडि uh, एक दवाई थी दवाई क्या बोलेंगे आप एक तरह का जहर बोलेंगे वो डाला गया इन पौधों पर ताकि ये पौधे ख़त्म हो जाएं वो पौधे कौन से थे ये आपसे पूछा गया अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आपको इसके बारे में पक्का पता होगा होता है वहां पर विक्रम अधिकारी बिल्कुल सही आंसर पहला आंसर दिया है इसका मतलब तुम जानते <laughs> इसका हो गा? इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर मैरिजुआना प्लांटेशन है ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसमें लगना पड़ा ये कितना बड़ा मैटर होगा तो मैरिजुआना ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर हिंदी में तो नाम जानते होंगे आप लोग हिंदी में इसका है ना नाइन्टी क्वेश्चन है ये देख लीजिए नब्बे क्वेश्चन तक कल मैंने कराए थे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एप्लीकेशन लॉन्च बाई द मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट टू इंश्योर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने महिलाओं की बढ़िया बधाई आपको चलिए आंसर की बात करें क्या इसका आंसर होगा पल्लवी पूछने कौन सा प्लान है यह पल्लवी आपने मैं क्या बोलूं विक्रम अधिकारी ने बताया है <laughs> <laughs> चलिए आंसर अधिकारी साहब का पहला आंसर अमित पाटिल दूसरा आंसर इतिश्री तीसरा आंसर नरेश आंसर आंसर एंड द इज एम पी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर मींस हाउ मच परसेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज लेविड ऑन लॉटरी देश भर में लॉटरी पर अब एक तरह का टैक्स लगेगा जीएसटी और वो कितना लगेगा ये आपसे पूछा गया लॉटरी पे uh, लॉटरी बुरी चीज है देखा जाए तो एक तरह का जुआ है तो इस पर इतना ज्यादा टैक्स होना चाहिए कि महंगा पड़े लोगों को तो ये टैक्स कितना होगा ये टैक्स होगा 28% परसेंट ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर पहला आंसर शाहिना खान का दूसरा आंसर अभिनव तिवारी जी का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन What इज द न्यू गुड्स एंड सर्विस टैक्स levied ऑन woven एंड नॉन woven bags फ्रॉम 1 मार्च 2020? पहले इस पर 12% GST जीएसटी था अभी कितना कर दिया गया पांच अट्ठारह अट्ठाइस ये आपसे पूछा गया पहले बारह था तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है तो इसका आंसर क्या होगा अंशुल बता रहे हैं कि क्वेश्चन आस्ट इन एस एस सी सी जी अपना जलवाई ऐसा है बेटा अपना जलवायु ऐसा है हां प्रियंका कल की पीडीएफ में आज दूंगा बेटा क्योंकि मेरे पास कंप्लीटली 150 क्वेश्चंस थे तो आज में कल भी कवर हो जाएगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आंसर इस 18 परसेंट ऑप्शन नंबर टू पांच नहीं है बहुत मार खाओगे अंधेर में तीर मारने वालों ये अट्ठारह बढ़ा दिया गया है कम नहीं किया गया है नेक्स्ट नेम द इंडियन पॉलिटिशियन हु वॉन्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया इज वेरी गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश uh, में वो क्या बोल देते हैं हमको भी मालूम नहीं चलता है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा शशि थरूर क्या आप में से कोई भी शशि थरूर का कॉन्स्टिटेंसी एरिया बता सकता है कि किस संसदीय क्षेत्र से ये चुनकर आते हैं क्या आपको ये मालूम है मालूम पूछ लिया एग्जाम में तो आइए देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं शहीद थरूर जी वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा फ्रॉम तिरुवनंतपुरम देख लो तिरुवनंतपुरम केरला तो यहां से है इनका ठीक है तो याद रखिएगा ये भी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट मिल नॉवेल बाई ऑथर मिस्टर चो धर्मन रिसीव साहित्य अकेडमी अवॉर्ड फॉर दर टू थाउजेंड नाइन रिसेंटली लेखक है चो धर्मन ये तमिल किस तमिल नॉवेल के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड गए ये सब एग्जाम में बहुत आते भैया फाइव ऑप्शन क्या आपको इसका आंसर पता है यह भी आया है सीजीएल में भैया रॉक स्टार या अंशुल है ना तो नरेश कुमार ने कई सारे आंसर दे दिए हैं और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा शूल ऑप्शन नंबर इज वेरी गुड राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु लॉन्च द ब्रेली एडिशन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर ऑथर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर बुक पर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे और एग्जाम वॉरियर पर इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं देखो आपको सब कुछ पता है एग्जाम वॉरियर ये जो ब्रेली लिपि वाली बुक है ना इसको किस कहां से किस संगठन ने या किस इंस्टीट्यूशन ने इसको लिखा इसको बनाया यह भी आपसे पूछा जा सकता है फिलहाल देखिए तो नरेंद्र सिंह सॉरी थवरचंद गहलोत जी ने थवरचंद गहलोत जी ने इसको लॉन्च किया था ठीक है आ, ब्रेली रिपेयर एडिशन और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा द बुक वॉज प्रिपेयर बाई बे, बे, बेली प्रेस ऑफ राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर इंडिया तो हो सकता हो कि ये आपसे पूछा जाए तो मैंने आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दी है कि एग्जाम में अगर हमारा बुरा वक्त आता है जैसा एल असिस्टेंट के पार्ट टू में आया था तो आप उससे बच जाए हालांकि एल असिस्टेंट में भी हमने अच्छा किया था जिसने मुझसे पढ़ा था उसने अच्छा किया था लेकिन फिर भी हमको रिस्क लेना नहीं चाहते नेक्स्ट पॉइंट स्टेट हैज लॉन्च द जल शक्ति प्रोग्राम जल शक्ति प्रोग्राम राज्य सरकार पूछा है सेनेजमेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा राज्य जल शक्ति नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिसमें जो ऐसी वुमेन्स हैं जो एस एच जी में काम करती है उनको ट्रेनिंग वेनिंग देकर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा एंसर दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा चलिए और यहां पर आंसर आ रहे हैं ओडिशा तो क्या ओडिसा सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर कितने लोगों ने धेरे में तीर मारा था जी सबके आंसर ओडिशा रहे वाह भाई वाह नेम द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ ओडिशा फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी दैट वॉज लॉन्च रिसेंटली ओडिशा ने 2020 में एक नई कृषि नीति को अडॉप्ट किया है उसका नाम आपको बताना है वी है फाइव ऑप्शन ओडिशा गवर्नमेंट का फिर से क्वेश्चन है एग्रीकल्चर पॉलिसी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे आपको सही आंसर देना है ये आता है अच्छा ठीक है रॉक माइकल रॉक माइकल का मैं नाम सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार मतलब मैं भी अपना नाम ऐसा क्यों नहीं रख लेता हूं कुछ इस टाइप में कुछ नाम आप लोग करेगा सजिस्ट ठीक है आंसर आंसर इज समृद्धि ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर समृद्धि फालतू अंधेरे में तीर संसद अरे नहीं भैया नहीं नहीं संसद क्यों होगा चलो नेक्स्ट पॉइंट वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑन व्हील क्लिनिक लॉन्च बाई द आई आई टी हैदराबाद सेंटर फॉर हेल्थ केयर ऑन्टरप्रेन्योरशिप फेलोज मिस्टर जिग्नेश पटेल इन कोलाबोरेशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आईआईटी हैदराबाद के सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा श्री जिग्नेश पटेल द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से भारत का पहला वैक्सीनेशन ऑन व्हील क्लिनिक कहां पर लॉन्च किया यह आपसे पूछा गया वी एफ फाइव ऑप्शन है थैंक यू अंकिता थैंक यू सो मच और इति बोल रही है पुणे अंकिता बोल रही है पुणे क्या यह सही है पलक का पहला आंसर आया बोल रही पुणे एंड द राइट आंसर इज पुणे महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर तुम लोग इतने तेज कैसे हो गए हो कौन हो तुम लोग कहां से आते हो नेम द लार्ज स्केल एंटी हाईजेकिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई इंडियन नेवी इन एसोसिएशन विथ इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द कोचीन पोर्ट ट्रस्ट इन कोची कोस्ट केरला आपको बताना है कि भारतीय कोस्ट गार्ड और कोची आ, कोची पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कोची के तट पर एक आ, एक बड़े पैमाने पर अपहरण विरोधी अभ्यास किया गया इसका नाम क्या था इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड कोचीन पोर्ट ट्रस्ट बताइए आंसर क्या होगा और बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं वेरी गुड एंड द आंसर इज अपहरण ऑप्शन नंबर फोर इज राइट एंड एक मूवी भी थी अजय देवगन वन ऑफ द माई फेवरेट एक्टर है और वो उसमें हीरो भी थे बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट पॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेम्ड स्वच्छ समुद्र एनडब्ल्यू टू थाउजेंड नाइनटीन हिल्ड तो भारतीय तटरक्षक क्षेत्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास को स्वच्छ समुद्र के नाम से हम जानते हैं यह कहां पर आयोजित किया गया था यह आपसे पूछा गया चलिए आंसर दीजिएगा uh, करदम जी बैकग्राउंड वाइट कर देंगे अभी बहुत लोग छुट्टी पर हैं होली के तो थोड़ा समझिए होली के मंडे से सब कुछ ठीक हो जाएगा राइट एंसर इज गल्फ ऑफ कच्च ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर दी आप लोगों ने बहुत बढ़िया वेरी गुड फैंतास्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द टारगेट ईयर सेट बाई द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू अचीव फिफ्टी फाइव लीटर पर कैपिटा पर डे पचपन लीटर आपको पानी दिया जाएगा पर डे के हिसाब से और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये टारगेट है किस ईयर में ये अचीव होगा ये आपसे पूछा गया है राइट नाउ करीब 40 लीटर पर कैपिटा पर डे का हिसाब है पचपन uh, लीटर तक कब तक पहुंचाना है इसका आंसर क्या होगा ठीक है और यहां पर शाइना खान बोल रही है पच्चीस अंकिता बॉल बोल रही है चौबीस इति बोल रही है एंड राइट आंसर इज टू ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर वन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर क्विक रिएक्शन सर्फिस टू एयर मिसाइल एंड पिनाका रॉकेट मार्क टू ऑन डिसंबर ट्वेंटी तो डीआरडीओ ने दो मिसाइल एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और एक पिनाका रॉकेट का कहां परीक्षण किया ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा वी है राइट आंसर इज ओडिशा ओडिशा पे कहां पर क्या आप लोग बता सकते हैं ओडिशा में चांदीपुर ठीक है ओडिशा ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव वॉट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द न्यूली टेस्ट फायर थ्रू रिएक्शन सर्फिस टू एयर मिसाइल तो इसका स्ट्राइक रेंज कितना होगा ये आपसे पूछा गया जो अभी हम बात कर रहे थे कि इसका परीक्षण कहां पर किया गया इसकी स्ट्राइक रेंज आपसे पूछी गई है वी है फाइव ऑप्शंस नहीं कल मैराथन क्लास में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा कल आ, कुछ काम है मुझे संडे को मैं पढ़ा दूंगा यार हम लोग एक दिन में कर लेंगे ना भैया परेशान मत हो एंड ट्वेंटी किलोमीटर ऑप्शन आइए आगे बढ़ेंगे ऑन दिसंबर तेलंगाना के पहले लोकायुक्त के तौर पर किसको नियुक्ति मिली है ये आपसे पूछा गया नवीन कुमार स्वराज आशीष झा राहुल शर्मा मयंक चौकसी रॉक माइकल ये वो लोग हैं नीलेंद्र जो अंधेरे में तीर मार रहे हैं अंधेरे में तीर मत मारो और इसका आंसर क्या होगा आशीष झा बोल रहे हैं फिर वी आर रॉक स्टार मतलब कैसे कौन है ये लोग कहां से आते हैं एंड द राइट आंसर इज सी वी रामुलू ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर नरेश जी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया अनुश्री यू आर ऑलवेज रॉक स्टार नेक्स्ट पॉइंट विच इस स्टेट हैज अपॉइंटेड जी जी चंद्रया एज इट्स चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन तो किस राज्य सरकार ने अपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के तौर पर जी चंद्रया को अपॉइंट किया वी हैव फाइव ऑप्शन अगेन व्हाट इज द आंसर और इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पे एंड द राइट आंसर इस राइट एंसर इज तेलंगाना ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट तेलंगाना की दोनों न्यूज थी एक लोकायुक्त वाली बात हमने की एक हमने चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात की सेकेंड मीटिंग ऑफ नेशनल कमेटी फॉर कमरेशन ऑफ द वन हंड्रेड फिफ्टी एट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी गांधी एट द रेट वन फिफ्टी इन न्यू डेली तो देख लीजिए यहां पे सेकेंड मीटिंग सेकेंड मीटिंग की बात हुई है अक्टूबर में हालांकि एनिवर्सरी थी लेकिन दिसंबर में एक मीटिंग और हुई तो बोला गया कि इसको प्रेसाइड किसने किया अध्यक्षता किसने की आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद जी ऑप्शन नंबर टू सुन लीजिए सुन सुन लीजिए लीजिए आपको याद रखना है सेकेंड मीटिंग ऑफ द नेशनल कमेटी फॉर कमरेशन ऑफ द दंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी कहां पर हुई डेली में हुई थी दिसंब, दिसंब, दिसंबर में हुई थी और रामनाथ कोविंद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी यह न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक बर्थ एनिवर्सरी भी था इस बार नेक्स्ट पॉइंट नेम द स्टेट दैट टॉप द लिस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग फिट इंडिया वीक इन स्कूल्स उस राज्य का नाम बताइए जिसने स्कूलों में फिट इंडिया वीक के आयोजन के लिए सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया फिट इंडिया मूवमेंट हम हम गाइडली के सारे फैकल्टी आजकल फिट इंडिया मूवमेंट पे लगे हुए हैं आप लोग भी लग जाइए इसमें और सोम सोमनाथ सोमनाथ जी जो ऑप्शन में नहीं है क्या फायदा वो नाम लेने से है ना और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर शाइना खान ने तुक्का मारा है इतिश्री ने तुक्का मारा है गुगली गुगिल्ला उषा श्री ने तुक्का मारा है एंड द राइट आंसर तो आपको मालूम चलेगा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे कर्नाटका दूसरे नंबर पे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आप लोग तो देख रहे हो कंटीन्यूअस उत्तर प्रदेश हर रैंकिंग में आगे आ रहा है भले अभी तीसरे पर है तो जहां लास्ट में था वहां पर तीसरे दूसरे पहुंच तो रहा है ना युवा बदलेगा देश बदलेगा है ना नेक्स्ट पॉइंट वॉट वॉज द थीम ऑफ द नाइंटी सेकेंड एनुअल कन्वेंशन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट हिल्ड इन न्यू डेली तो बानबेवा वार्षिक सम्मेलन फिक्की का कहां पर हुआ डेली में हुआ नाइन्टी सेकेंड बानवे आपको यह आपको याद करना पड़ेगा थीम क्या थी यह आपसे पूछ लिया गया आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा वीडियो नहीं रुक गया जी हाँ क्रिमिनल में भी ठीक है एंड द राइट आंसर इज कंप्यूटर जी हाँ इंडिया रोडमैप टू फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इंडिया रोडमैप टू फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कंट्री तो ये ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही है। आपको मैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संबोधित किया नाइनटी सेकेंड कन्वेंशन को तो गाइस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा नाइनटी सेकेंड कन्वेंशन था फिक्कि का दिल्ली में हुआ और इसमें इसको एड्रेस किसने किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया ये पूरी न्यूज यहां पर बन सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिफॉर्म वुमेन इन प्रीजन एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ तो जेल प्रशासन में वर्दीधारी महिलाओं पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ यह आपसे पूछा गया है दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन था यह भी ध्यान देना सेकेंड एडिशन यह कहां पर हुआ चलिए देखते हैं और यहां पर शाइना खान बोल रही है भोपाल अंकिता पॉल बोल रही है भोपाल पलक बोल रही है भोपाल कोई लड़का ही नहीं है अभी तक आया आयासर अधिकारी साहब बोल रहे हैं भोपाल चलिए भोपाल एंड द राइट आंसर इज भोपाल मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर भोपाल हमारा सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए द कॉन्फ्रेंस वॉज इनोग्रेटेड बाई द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी दूसरा एडिशन था भोपाल में हुआ नित्यानंद राय जी ने इसका किया था भारत अवार्ड फॉर सेविंग 20 पीपल फ्रॉम अ बर्निंग बस ऑन द मूव तो देख लीजिए यहां पर केरल के प्रथम उस बच्चे का नाम बताइए जिसे बहादुरी के लिए भारत पुरस्कार मिलेगा इसने बीस लोगों की जान बचाई आंसर दीजिएगा जिद्दी हूं मैं न्यू डेली बोल रहा हूं और इसका आंसर क्या होगा आदित्य के आदित्य के आदित्य के कहां के रहने वाले हैं आप बोलेंगे केरला वो तो मुझे पता है केरला में कहां के तो ये भी देख लीजिएगा आदित्य के जो है ये कोजी कोड़े केरला के निवासी हैं तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है जैसा एल में क्वेश्चन आया था तो बच्चे बोल रहे थे कि सर सब जो भी हमको आता था वो क्वेश्चन में ही था है ना तो आजकल डीप में क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली क्या होता है ना कि पता नहीं क्यों हमारे मन में एक मेंटालिटी बन गई है कि जनरल अवेयरनेस का मतलब इजी सेक्शन और हम कर ले जाएंगे हम अपने पूरी तैयारी को टाइम देते हैं क्वांट को रीजनिंग को इंग्लिश को ये सच्चाई है गाइस ये कर चाहिए और एग्जाम में जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम दोष देते हैं अपने एजुकेटर्स को तो देखो सिंपल सी बात है यार तुम्हें डेली कम से कम एक दो घंटे भी जीए को देना पड़ेगा अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो और आजकल क्वेश्चन सिंपल नहीं बनते क्वेश्चन डीप में बनते हैं चॉइस इज योर्स आप क्या च्वाइस है कि आप क्या करना चाहते हो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हु रिलीज द बुकलेट बुकलेट टाइटल्ड क्रॉसिंग द बैरियर आई गॉट ड्यूरिंग द नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन टू थाउजेंड नाइनटीन इन न्यू डेली तो नई दिल्ली में एक्सेसिबल इलेक्शन 2019 राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान क्रॉसिंग द बैरियर आई गॉट इंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया यह आपसे पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर मिस्टर सुनील अरोड़ा जी हो जाएंगे ये कौन है पता है ना कई लोग को पता नहीं होगा जरा सा दिल पे हाथ रखे बोलो कितने लोगों को पता नहीं है हु इज सुनील अरोड़ा मैं नहीं बता रहा नेक्स्ट पॉइंट हुस बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फार्मर डे किसान दिवस ऑन ट्वेंटी दिसंबर किसका जन्मदिन मनाते हैं हम 23 दिसंबर को जिसके मतलब उनके जन्मदिन पर हम इसे बोलते हैं नेशनल फार्मर डे और किसान दिवस व्हाट इज द आंसर क्या इसका आंसर होगा सिद्धार्थ संयम रखिए बनिंग क्वेश्चन और इसका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह जी ऑप्शन नंबर वन चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे ट्वेंटी थर्ड दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है यह हमारे देश के पांचवें प्राइम मिनिस्टर भी थे और इनका कार्यकाल टू सेवेंटी चला था पांचवें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी याद कर लीजिएगा हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेम द स्कीम लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर एनम फॉर ईच हैंडलूम वेवर फैमिली तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक हथकरघा बुनकर परिवार को चौबीस हजार रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा किस स्कीम के अंतर्गत यह आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर भी बताना है चौबीस हजार रुपए चलिए आंसर की बात कर लेते हैं व्हाट इज द आंसर एंड द राइट आंसर इज नितिस्तम ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर तो लाइक वाइक कर दो यार तुम लोग क्यों कंजूसी करते हो भाई कल मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने सेशन लिया और इतने दिल से उस पर मैंने देखा पांच डिसलाइक पड़े हैं यार मुझे समझ में नहीं आता कि मैं और क्या चाहिए कैसे पढ़ा दू <laughs> है ना चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड फर्स्ट ट्री पार्टी पार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विच स्टेट गवर्नमेंट आपसे पूछा है ट्राइब्रीब ट्राइब, ट्राइब पार्टी का मतलब तीन पार्टी होंगे जिसमें एक नाबार्ड हो जाएगा आपका फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड देख लीजिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड एफ आई डी तो एफ आई डी एफ आई डी के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने नाबार्ड से एग्रीमेंट किया है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा तमिलनाडु ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर देख लीजिए तो नाबा टोटल फंड कितना दिया जाएगा तमिलनाडु को वो देख लीजिए सेवन फाइव टू टू पॉइंट फोर एट करोड़ रुपीज सेवन फाइव टू टू पॉइंट फोर एट करोड़ रुपीज कहां पर दिया जाएगा इसमें फाइड में फाइड का मतलब फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ कवरेज अंडर माइक्रो इरीगेशन फॉर टू माइक्रो इरीगेशन कवरेज में किस राज्य ने टॉप किया है यह आपसे पूछा गया ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको सही आंसर देना है वी ए फाइव ऑप्शन हाँ हाँ आशीष थैंक यू सो मच भाई थैंक आप लोग साथ निभाते रहिए बस आप लोग हैं तो बेस्ट है और सिलेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो अपना सिलेक्शन रेशियो तो यार नंबर एक पर था नंबर एक पर है नंबर एक पर रहेगा वो उसमें कोई दाग नहीं है एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर तमिलनाडु फिर से हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट एनुअल मीट ऑन ऑफ स्टेट नोडल एजेंसी फॉर नेशनल ग्रीन क्रॉप इको क्लब प्रोग्राम हेल्थ राष्ट्रीय हरित वाहिनी इको क्लब कार्यक्रम के लिए राज्य नोडल एजेंसियों की पहली वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई थी यह आपसे पूछा गया फर्स्ट एनुअल मीट ऑफ स्टेट नोडल एजेंसीज़ फॉर नेशनल ग्रीन क्रॉप इको क्लब अच्छा क्वेश्चन है आंसर दीजिएगा वॉट इज द आंसर द राइट आंसर इज केवड़िया गुजरात ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर केवड़िया गुजरात हमारा सही आंसर है केवड़िया गुजरात हमारा सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव रिडक्शन इन टोबैको यूज बाय थर्टी परसेंट तो भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश में अंशुल ध्यान से सुनो भारत सरकार चाहती है हमारे देश में कि जो टोबैको का जो लोग यूज करते हैं उसका यूसेज थर्टी परसेंट तक कम हो जाए इस साल तक वो साल कौन सा है ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है थ्री तो तंबाकू से प्यार करने वाले लोग थोड़ा सा ध्यान दें अब दो हजार पच्चीस तक थर्टी परसेंट तम्बाकू का काम करना है याद रखना इसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नेम द इंडियन एक्टर हु वॉन द प्रेस्टिजियस फिफ्टियथ दादा साहब फालके अवार्ड इन हिज फिफ्टियथ ईयर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आप लोग उसका आंसर पता है अमिताभ बच्चन जी तो मैं इसमें बस आपसे ये बोलूंगा कि 50th एडिशन था ये बेटा मत भूलना क्योंकि अमिताभ बच्चन वाला नाम तो आप लोग याद कर लेंगे लेकिन शायद एडिशन आप याद करें 50th एडिशन याद कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं यह आपसे पूछा गया एसोचैम SO के नए प्रेसिडेंट कौन बने यह सब पॉइंट पहले भी मैंने पढ़ाया है आप लोग बता देंगे आराम से इसका आंसर क्या होगा एंड द राइट आंसर इज निरंजन ही ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर क्वेश्चन आस्क इन डी एम आर सिंह नेक्स्ट प्वाइन हु वॉज ऑनर्ड विद द केरला साहित्य अकेडमी फेलोशिप फॉर टू थाउजेंड एटीन मैंने पढ़ाया लोग को मिला था केरला साहित्य अकेडमी फेलोशिप केरला साहित्य अकेडमी फेलोशिप कितने किसको किसको मिला फॉर द टू थाउजेंड एंड के जी शंकर पिल्लई ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच पोएट्री वी एम बीन सेलेक्टेड फॉर द बेस्ट पोएट्री अवार्ड तो किस कविता के लिए वीएम गिरजा को सर्वश्रेष्ठ कविता पुरस्कार के लिए चुना गया है हालांकि और भी विनर्स हैं मैं कंप्लीट लिस्ट आपको दे दूंगा उसके बाद वो आपके ऊपर है कि आप याद करते हैं कि नहीं करते हैं तो आइए देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा नाम की पोएट्री के लिए वीएम गिरजा जी को बेस्ट पोएट्री अवार्ड मिला यह है पूरी लिस्ट हमारे सामने यह देख लीजिए यहां पर ठीक है ये पूरी लिस्ट हमारे सामने है बहुत इंपॉर्टेंट uh, अवार्ड्स नहीं है और ज्यादा लोग भी हैं मैं तो मैं होता मैं स्किप कर देता बिल्कुल मैं स्किप कर देता क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतना क्वेश्चन एग्जाम इस तरह का आएगा आप लोग देख लीजिएगा है ना नेक्स्ट पाइम नेम द नेम द रेलवे स्टेशन विच हैज कोलाबोरेटेड विथ एरो गार्ड एंड ओपन द ऑक्सीजन पार्लर सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन और मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसका आंसर दे लेंगे Uh, पलक बोल रही है नासिक नासिक क्या इसका आंसर होगा तो नासिक रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर इज़ राइट आंसर नरेश कुमार जी भी हमारे बीच में अनुश्री रॉक माइकल आशीषा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाउ मेनी सेक्टर स्टेट यूटी वे रैंक इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो अभी एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है uh, उसमें इसका फर्स्ट एडिशन है पूछा गया कि कितने मतलब कित, uh, बेस्ड ऑन हाउ मैनी सेक्टर्स कितने सेक्टर्स पर यह इंडेक्स बेस्ड था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले देखिए आप इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे और इससे जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन मैं आपको आगे लेकर चलूंगा ठीक है तो टेन सेक्टर्स पर ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था आइए एक क्वेश्चन और देखिए विच स्टेट टॉप इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स अंडर द बिग स्टेट कैटेगरी बड़े राज्यों की कैटेगरी में कौन से स्टेट ने टॉप किया है कहां पर फर्स्ट एडिशन ऑफ द गुड गवर्नेंस इंडेक्स इंडेक्स जो कि टेन सेक्टर्स पर बना है याद रखेगा तो बड़े राज्यों की बात करें इसका आंसर क्या होगा जी हां आयुषी बिल्कुल सही तमिलनाडु हमारा सही आंसर है और अगर हम आगे बढ़ते चले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फाइंड द द यूटी दैट अमंग अदर यूनियन टेरेटरी इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द गुड गवर्नेंस इंडेक्स अब हम यूटी की बात कर रहे हैं अब हम यूटी की बात कर रहे हैं स्वराज कह रहे हैं सब गलत है और हंस भी रहे हैं <laughs> मैं भी कभी कभी हंस देता हूं एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं इसका आंसर क्या होगा पौंडिचेरी ऑप्शन नंबर थ्री इज़ राइट आंसर पौंडिचेरी हमारा सही आंसर है पौंडिचेरी हमारा सही आंसर है ठीक है एक बार मैं गया था अपना एग्जाम देने के लिए स्टैट्स का पेपर था और होता क्या कि बॉयज़ की बात करें गर्ल्स तो पढ़ती हैं बॉयज़ उतना तो पढ़ते नहीं हैं एक रात पहले पढ़ते हैं और हमें मालूम था कि स्टैट्स में क्या होगा कि एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी आएगी हम लोग थ्योरी वेरी अपना पढ़ लिए थे ऐसे कि थ्योरी कर देंगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम में घपला हो गया कि और दोनों ऑप्शन में न्यूमेरिकल्स आए मैंने पेपर उठाया था मुझे पहले आठ नंबर का क्वेश्चन आ रहा था मार्क्स का था फिर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो पहले मैं गया वॉशरूम शीशे में अपने आप को देखा मैं हंसा अपने ऊपर और फिर मैं आया वापस और वो एट नंबर का जो सही सवाल था वो भी मैंने कैंसिल कर दिया कॉपी मैंने जमा कर दिया <laughs> ऐसा होता है तो देख लीजिए गाइस क्वेश्चन देख लीजिए आराम से तो अब हम आते हैं पॉइंट पर तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉनियर एमओएस फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर्सनल पब्लिक रिवासिस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनके पास इतना ज्यादा मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के पास जो जो मिनिस्ट्री है वो इनके पास है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ठीक है इन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स डेली में लॉन्च किया था तो हो सकता हो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो किसने लॉन्च किया साउंड मिसमैच हो रहा है क्या भैया कंप्यूटर जी का है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विथ एन आउटले ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड फॉर फाइव ईयर तो नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके लिए छह हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले पांच सालों में मतलब दो हजार बीस इक्कीस से लेकर दो हजार चौबीस पच्चीस तक स्कीम आपको बतानी है आंसर यहां पे आ रहे हैं आंसर आंसर आ रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है मिसमैच है क्यों भाई ऐसा क्या है तो ये अटल भूजल योजना में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एक तो आपसे अमाउंट पूछ सकता है एक तो आपसे टाइम पूछ सकता है और एक ये कि कितने स्टेट के लिए ये दिया गया तो ये टोटल सेवन स्टेट सेवन स्टेट सात राज्यों के लिए है गुजरात हरियाणा कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में यहां पे ठीक है नेक्स्ट 2021 2021 में हजार में होने वाला है आपसे पूछा गया अच्छा क्या आप लोग को कॉस्टिंग पता है कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा सेंसस पे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और अभी आप लोग एंसर दे रहे हैं और आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं देखे जरा 16. तो आंसर इज सिक्सटींथ ऑप्शन नंबर टू इज एप्सुलटली राइट आंसर अनुश्री विवेक वेरी गुड नबिता वेरी गुड और अगर हम आगे बढ़ें चलिए क्वेश्चन विच इस स्टेट विल नॉट बी कवर्ड बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2021? तो एनपीआर किस राज्य में नहीं होगा क्योंकि इस राज्य में पहले, ही, पहले से ही एनआरसी हो गया था आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा असम ऑप्शन नंबर फोर असम को एनपीआर में कवर नहीं किया गया आइए अब बात करते हैं गाइस देखिए तो 2021 में 16 सेंसस होने वाला है ये तो हमको मालूम है विथ अ कॉस्ट ऑफ 8,754.23 करोड़ रुपीज सेंसस पर ये कॉस्टिंग आएगी और एनपीआर के लिए कितना अमाउंट दिया गया है गाइस 3941.35 करोड़ ये दोनों पॉइंट आपको लर्न कर लेने चाहिए ठीक है तो याद कर लीजिएगा हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर इंडियन रेलवे मेडिकल विल बी तो इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम चेंज कर दिया गया है आपने देखा कि रेलवे में काफी बड़ा बदलाव आया है तो इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नया नाम क्या होगा यह आपसे पूछा गया है अच्छा क्वेश्चन है स्पेशली रेलवे वाले बच्चों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वीडियोस बार बार रुक रहे हैं कंप्यूटर जब ध्यान नहीं दे रहे एकदम भी आप कहीं खोए हुए हैं किसी ख्याल में एंड द एंसर इज इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर तो इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस मेरे ख्याल से जो गैंग वासीपुर में एक मूवी में बिल्कुल सही बोला गया जब तक देश में सिनेमा मतलब मूवीज आती हैं देश तरक्की नहीं कर सकता हर मूवी में मतलब हर इंसान अपने लाइफ में एक हीरो है है ना है ना कम्यूडर जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुज नेम विल बी उस नेम विल बी नेम फॉर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिक माउंटेन मौन, टनल अंडर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका नाम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के तहत विश्व की सबसे लंबी सामरिक पर्वत सुरंग के लिए रखा जाएगा वॉट इज द आंसर साउंड में एंड द राइट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा जाएगा आपको पता है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश विश्व का सबसे लंबा माउंटेन टनल रोड चलिए नेक्स्ट पॉइंट नेम द स्कीम दैट रिसीव रुपीज सिक्स ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर जीरो करोड़ फ्रॉम कैबिनेट फॉर टेन प्रोजेक्ट सैंक्शन ड्यूरिंग एटीन नाइनटीन टू प्रमोट डेवलप एंड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया अट्ठारह उन्नीस में दो हजार अठारह उन्नीस के लिए इस योजना को छह सौ सत्ताईस सत्ताइस करोड़ रुपए दिए गए तो आपसे पूछा गया है टूरिज्म के लिए तो कौन सी स्कीम होगी भावना मालवीय जी साउंड मिसमैच हो रहा है क्या करें बताइए इसका आंसर होगा स्वदेश दर्शन स्कीम ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर अमृत अंकिता अंकिता अमित एक बात मेरी समझो अमृत क्या ये टूरिज्म के लिए था बेटा क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ो आपको पता है कि टूरिज्म के लिए स्वदेश दर्शन है अमृत यार ये तो अर्बन अमरूत की बात करें तो ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था सीवेज और, अ, सीवेज और और वाटर कनेक्शन के लिए तो क्या सीवेज और वाटर कनेक्शन से टूरिज्म बढ़ सकता है नहीं यार दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई लोग नेक्स्ट पॉइंट अच्छा और 2018 के लिए कितना रुपया लॉट हुआ है हमने आपको यह दिखा दिया आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम और देंगे 19-20 के लिए 1,854.67 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं स्वदेश दर्शन स्कीम को 18 में कितने अमाउंट अलॉट किए गए वो तो आपको हमने दिखा दिया क्वेश्चन में और 19-20 के लिए अमाउंट हमने आपको एक्स्ट्रा यहां पर बता दिया है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हु were the द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ड्रीम ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स दैट डिस्क्राइब अबाउट द क्रॉनिकल journey जर्नी इन द ग्लोबल स्पोर्ट्स of ऑफ ओलंपिक तो ड्रीम ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स इस बुक के ऑथर कौन है ये आपसे पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा कंप्यूटर जी आप मुझे गाया भी कर दीजिए क्योंकि वो आ, टाइमिंग सही नहीं चल रही है हां गायब भी कर दिया मुझे और इसका आंसर क्या होगा बोरिया मजूमदार एंड नलीन मेहता ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट okay. क्वेश्चन उूज बर्थ एनिवर्सरी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल गुड गवर्नेंस डे एनुअली नाइनटी फिफ्थ बर्थडे एनिवर्सरी थी ये हमारे देश के फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट एंसर ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट एंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 136. वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो ऑल्सोल्डी फिफ्थ ट्वेंटी फाइव फीट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ वाजपेयी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी गई है आपसे यह पूछा गया है और घनश्याम दुबे बोल रहे हैं लखनऊ साइना बोल रहे हैं लखनऊ शुभम है ठीक है एंड राइट आंसर इज लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट ऑब्लिक यूटी कैबिनेट हैज अप्रूव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू थाउजेंड नाइनटीन विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के कैबिनेट ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है और यह कौन सा स्टेट हो जाएगा या यूटी हो जाएगा तो यह दिल्ली हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन दिल्ली हैज अप्रूव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2019 नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द स्कीम दैट वाज लॉन्च टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 14.6 करोड़ रूरल हाउस उस योजना का नाम बताइए जो 14.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है 14.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों अभी मैं अपने होमटाउन गया था मिर्जापुर तो मेरे घर के बगल वाली लेन में वो चल रहा था कुछ खुदाई चल रही थी और उसके आगे इसी स्कीम का बोर्ड लगा हुआ था मैंने देखा और ये स्कीम है जल जीवन मिशन ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर जल जीवन मिशन वेरी गुड आंसर तो गवर्नमेंट की बात करें तो जल जीवन मिशन के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स लाख करोड़ रुपीज दो हजार तक किया जाएगा लेकिन गाइस, अगर हम इस बार के बजट की बात करें 2020-21 के बजट की बात करें तो 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन पर कितना रुपए खर्च किया जाएगा तो 11,500 करोड़ रुपए ये याद रखेगा 11,500 करोड़ रुपीज तो 11,500 करोड़ रुपीज तो ये याद रख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट म द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज सेटअप साइन बोर्ड इन चाइनीज लैंग्वेज लैंग्वेज एट फाइव आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो मतलब एक्स एक्जैक्टली स्टेट गवर्नमेंट यह स्टेट गवर्नमेंट चाहती है चाइना के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना तो पांच आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब उनके साइट पर यह चीनी भाषा पाई जाएगी

जारी किया है जो किस संगठन ने विकसित किया था नई दिल्ली में यह आपसे पूछा गया है देखिए पांच में बेसिकली मतलब सब कुछ मिला जुला के पांच में एक एथिक्स था एक एजुकेटर पॉलिसी थी पांच पॉलिसी है वो आपको नाम याद नहीं रखना है बस आप याद रखिएगा यूनियन ग्रांड कमीशन तो यूनियन ग्रांड कमीशन ने थोड़ा सा मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए फाइव डॉक्यूमेंट लॉन्च किए हैं आप ऐसे समझ लीजिए नाम से आप याद नहीं कर पाएंगे ठीक है आप उसके लिए परेशान ना हो क्वेश्चन के लिए परेशान ना हो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि फाइव डॉक्यूमेंट का मतलब बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है यूजीसी ने पांच डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है उसमें मतलब कि जैसे एक, एक आप किसी संस्थान में जाते हो तो वहां पर आपको आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए एजुकेशन एजुकेटर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये सब पॉइंट है उसमें बेसिकली नेक्स्ट वेयर डिड धर्मेंद्र प्रधान जी अनविल इंडिया फर्स्ट कंप्रेस नेचुरल गैस बस विच कैन रन 1000 किलोमीटर इन वन फिल यानी एक बार गैस भरने पर हजार किलोमीटर तक की यात्रा यह बस कर सकती है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया कहां पे यह आपसे पूछा गया श्री चंद्रा शुक्ला जी आ, मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें यह सब मेंशन होगा परेशान ना हो और इसका आंसर क्या है इसका आंसर न्यू डेली है ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर डेली हमारा सही आंसर मुंबई नहीं है जी राहुल नेक्स्ट इंडियन रेलवे फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च द न्यू ट्रेन हिम दर्शन एक्सप्रेस विथ ऑल न्यू विस्टाडोम कोचेज इट रन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट तो भारत की पहली ट्रेन के बारे में बात हो रही है आपसे हिम दर्शन एक्सप्रेस विथ ऑल न्यू विस्टाडोम इसमें शीशे ही शीशे लगे हुए हैं जगह और इसका आंसर आपको देना है क्या इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा कालका हरियाणा शिमला हिमाचल प्रदेश कालका से शिमला ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी टू ऑल विलेजेस विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी गांवों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है आपको इसका आंसर देना है और इसका आंसर हो जाएगा भारत नेट ऑप्शन नंबर टू भारत नेट हमारा बिल्कुल सही वेरी गुड पलक बहुत अच्छे अनुश्री वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द टारगेट ईयर सेट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री वाई फाई सर्विसेस टू ऑल विलेजेस थ्रू भारत नेट प्रोजेक्ट तो मतलब ठीक है ये किस ईयर तक का टारगेट है ये आपसे पूछा गया टारगेट आपसे पूछा गया इसका आंसर भी आपको देना है और इसका आंसर है मार्च 2020 मतलब कि ये बस यही जो महीना चल रहा है हमारा तो मार्च 2020 तक इसका टारगेट ईयर है नेक्स्ट अर्बन एरिया ऑफ विच स्टेट इज वनली नॉट डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फी एरिया अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कौन सा स्टेट है जो कि मोदी जी की पॉलिसी को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट ही नहीं करता है अब वो चाहे एनआरसी एनपीआर सी ए हो चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे आपका ये आयुष्मान योजना हो और चाहे ओपन डिफेक्शन फी इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर नेक्स्ट पॉइंट बाई विच इिजिटल रेडियो विल बी लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किस साल तक डिजिटल रेडियो को लॉन्च कर देंगे यह आपसे पूछा गया है और इसका एंसर क्या देंगे आप लोग ठीक है इसका एंसर होगा 2024 ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी विल बी ओपन किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा एक बार कंप्यूटर ठीक लग रहा हूं बताइए अब हटा सकते हैं आप इसका आंसर कुशीनगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर फोर इज राइट right आंसर उत्तर प्रदेश बन रहा उत्तम प्रदेश नेक्स्ट पॉइंट वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले भारत का पहला पारगमन उन्मुख विकास परियोजना की आधारशिला कहां पे रखी गई अमित शाह जी ने इसकी आधारशिला रखी है आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा और इसका आंसर होगा दिल्ली ऑप्शन नंबर वन तो भारत का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टॉर टीओडी प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा अमित शाह जी ने इसकी आधारशिला रखी तो यह हमको मालूम ही चल गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्सिटी डेली टॉलेस्ट टावर 161 मीटर अंडर द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड तो दिल्ली में 161 मीटर का एक टावर बनाया जाएगा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए uh, कहां पर दिल्ली में कहां पर ये आपसे पूछा गया है डेली में कहां पर ये आपसे पूछा गया तो यह यहां पर एक कोर्ट है आपने अक्सर न्यूज में नाम सुना होगा कड़कड़ुमा कोर्ट कड़कड़ुमा जगह ऑप्शन नंबर फोर इज नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय इंडिया टू क्रॉस रिनेबल एनर्जी कैपेसिटी मार्क ऑफ हंड्रेड गीगा वोट हंड्रेड गीगा वोट हंड्रेड गीगा बाल बनाने नहीं है। अरे यार तुम लोग जरा दिखाइए मुझे जरा तुम लोग मतलब समझते भी नहीं हो यार बाल दिखाने नहीं आए थे वो कि यार यूपी मतलब खुशी के मारे में सामने आया तुम लोग क्या था यार होता नहीं है कि मतलब जब हम लोग कुछ जीतते हैं तो यस वाला फीलिंग नहीं यस वाली फीलिंग थी वो बस कहा हर्षवर्धन जी ने इसका इनोग्रेशन किया था हर्षवर्धन जी ने इसका इनोग्रेशन किया था और ये न्यू डेली ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर हाँ तो न्यू डेली इज राइट आंसर करदम बता रहे हैं कि आई बी पी एस में आया था करदम जी आएगा क्वेश्चन भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बिल्ट विथ रिकॉर्ड टाइम ऑफ नाइनटीन मंथ रिसेंटली तो बीपीसीएल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो कि अभी रिकॉर्ड उन्नीस महीने पूरा हुआ कहां पर बनाया गया यह आपसे पूछा गया आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा बालंगीर उड़ीसा ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर नेक्स्ट City the National Tribal Dance Festival, namely Tribal Fest 2019 जनजातीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और इसका आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है और गाइस अगर आंसर की बात करें रायपुर छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर वन इज राइटर रायपुर छत्तीसगढ़ नेम द रेलवे स्टेशन दैट रिसीव द फर्स्ट ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी करवा दिया था तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर याद कर लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट नेम द बुक ऑथर्ड बाई आर पी एन मीन रतनजीत प्रताप नारायण सिंह दैट डिस्क्राइब अबाउट द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया यानी आपसे पूछा गया है कि मिस्टर आर पी एन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए सिंपल सा क्वेश्चन आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज में ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर तो ये तो हमारे देश में होता ही है आप सिंधिया जी को देख लीजिए ना कांग्रेस से बीजेपी नेक्स्ट पॉइंट विच स्टेट विल ऑब्जर्व दर टू थाउजेंड एस सुशासन संकल्प वर्ष तो कौन सा राज्य 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेलंगाना बनाएगा सुशासन संकल्प वर्ष कौन सा स्टेट तो ये होगा हरियाणा होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर हरियाणा हमारा सही आंसर है इन विच कॉरिडोर द फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ डबल स्टेक ट्रेन कंडक्टेड ऑन न्यूली बिल्ट रेवारी माद, आ, मदार स्टेशन सेक्शन तो मतलब अगर हम बात करें गाइस तो हमारे देश में फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है कि माल गाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक तो आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ डबल स्टिक ट्रेन कंडक्टेड ऑन न्यूली बिल्ट रेवाड़ी मदार सेक्शन तो वो कौन सा वो कौन सा कॉरिडोर है ये आपसे पूछा गया है फ्रेट कॉरिडोर में और ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वेस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड अपने आप अंधेरे में मारो तुम लोग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर वेयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मांडू फेस्टिवल हैज तो मांडू उत्सव का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया यह आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर एमपी हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन ऑक्शन ऑफ असेट बेसिकली बैंकों में जो प्रॉपर्टी ऑपर्टी जैसे बैंक से किसी ने लोन लिया एनपीए हो गया बैंक अब उसकी प्रॉपर्टी को बेचेगा तो प्रॉपर्टी सब लोग खरीद पाए उसके लिए ये प्लेट पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है इसका नाम है ई बिक्रय ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर हाउ मच परसेंट ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया आर कवर्ड विद फॉरेस्ट एज पर दिक्कस स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाई द श्री प्रकाश जावड़ेकर जी सोलहवा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है तो भारत का कितना ज्योग्राफिकल एरिया जो है वह फॉरेस्ट से कवर है यह आपसे पूछा गया और इसका आंसर होगा ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर च स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अंडर एरिया वाइज कैटेगरी एज पर दिक्सटींथ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है और यह होगा मध्यप्रदेश ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर एमपी हमारा सही आंसर है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु लॉन्च द वेब पोर्टल डब्ल्यू 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 डॉट सी ओवी इन टू ट्रेस पढ़ा चुका हूं हालांकि ये पोर्टल मुंबई में लॉन्च किया गया लेकिन डेली सब्सक्राइबर के लिए अभी केवल लॉन्च किया गया है आपके टेलीफोन जो चोरी होते हैं वो ट्रेस हो जाएंगे इससे एंड द राइट right आंसर इज रविशंकर प्रसाद जी ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर रविशंकर प्रसाद सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विस सिटी होज द ट्वेंटी सेवेंशन ऑफ नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस 2019 ऑन द थीम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन व्हाट इज युवनपुरम केरला ऑप्शन नंबर टू वेंकैया नायडू जी यहां पर चीफ गेस्ट थे यह भी याद रख लीजिएगा नेक्स्ट वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ सी आर पी एफ लेड विथ अ कॉस्ट ऑफ टू एटी करोड़ दोस्तों सी आर पी एफ का पहले भी हेडक्वार्टर डेली में था अब भी हेडक्वार्टर डेली में बस नई बिल्डिंग बन गई है और नई बिल्डिंग की कॉस्टिंग आई है दो सौ अस्सी करोड़ रुपए नई दिल्ली में ही है तो ये भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर नेक्स्ट पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज रीनेम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एज तो आरपीएफ जो होता नहीं आर पी का नया नाम क्या है ये आपसे पूछा गया आरपीएफ का नया नाम क्या है यह आपसे पूछा गया और इसका सही आंसर आपको देना एंड राइट आंसर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन विच द सेलिब्रेटन डे लॉन्ग ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा तो यह तो आप लोग बता देंगे धनु यात्रा मैंने पढ़ाया भी है उसके पहले वाले प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें एंड राइट आंसर इज उड़ी ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर ओडिसा हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म रीच वन करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स भारत सरकार का सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसमें एक करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं गाइज याद रखिए मंडे को हम लोग करने वाले हैं दिन के बारह बजे बुक्स एंड ऑथर प्लस न्यू कमिटीज पर एमसीक्यू सेशन और तीन बजे आपका मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट टू वीडियो भी आएगा और सुबह सात बजे करंट अफेयर्स भी आएगा और इसका आंसर होगा माई गव ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हुज टेन्योर वॉज एक्सटेंडेड टू वन मोर ईयर टिल थर्टी जुलाई टू तो विशेष सुरक्षा समूह एसपी जी के डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए जिनका टेन्योर एक साल के लिए बढ़ा दिया गया इनका नाम क्या है इनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा जी ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर नेक्स्ट विच स्टेट हैज लॉन्च द अटल किसान मजदूर कैंटीन फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंड लेबर्स अटल किसान मजदूर कैंटीन एंड राइट आंसर इज हरियाणा ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एप्लीकेशन लॉन्च बाय उड़ीसा गवर्नमेंट यूजिंग विच द पीपल कैन पे लैंड रेवेन्यू ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग अ गवर्नमेंट ऑफिस यानी आपको uh, मतलब uh, जो भी आपको लैंड रेवेन्यू पे करना है आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं विदाउट आपको मतलब क्यू में लगना नहीं पड़ेगा और इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ई पाउती ऐप ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट द इंटायर नागालैंड वॉज डिक्लेयर डिस्टर्ब एरिया फॉर सिक्स मोर मंथ नागालैंड को छह महीने के लिए और डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है क्षेत्र किस किस एक्ट के थ्रू यह आपसे पूछा गया और इसका आंसर है सेक्शन थ्री ऑफ द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 सेक्शन थ्री ऑफ द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 ओके okay. तो गाइज आज के लिए इतना ही नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर मेरे ख्याल से हर दिन हमें अब नए नए टॉपिक्स मिलेंगे like आप सेशन में बने रहें और मैंने आप तो 50 में से 35 प्लस की गारंटी एस एस सी सीजल के तो हो चुके रेलवे की बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे वो सब हमारे परेशान यू सो मच गाइज मिलते हैं आपसे मंडे को मॉर्निंग में सेवन ए फॉर द करंट अफेयर्स थ्री पी फॉर द मॉनिट्री पॉलिसी पार्ट टू क्लास और हाँ बारह बजे बुक्स एंड ऑथर एंड कमिटीज पर अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से पढ़ाई करिए अपना खूब ध्यान रखिए खूब पढ़िए जमके पढ़िए कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा जिद करिए जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं जो भी चीजें आपको परेशान करती हैं उसको छोड़ने का उसको उठाकर फेंक देने का हौसला भी रखिए आप कर सकते हैं यू आर रॉक स्टार थैंक यू सो मच